नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर के नए साल का पहला महीना माना जाता है। इस बार मुहर्रम का महीना हिंदुस्तान में 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। मुहर्रम का 10वां दिन आशूरा का होता है। इस दिन मुहर्रम मनाया जाता है। आज मुहर्रम का 10वां दिन यानी कि आशूरा का दिन है। आइए आपको बताते हैं इस्लाम में मुहर्रम को लेकर क्या मान्यताएं हैं और कितना खास होता है ये दिन। इस्लाम के मुताबिक पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को इसी दिन कर्बला की जंग के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। कर्बला की ये जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मुहर्रम के 10वें दिन हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसे आशूरा भी कहा जाता है, इसलिए मुहर्रम के 10वें दिन को बहुत खास माना जाता है। कर्बला की ये जंग तकरीबन 1400 साल पहले हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ी गई थी। दरअसल यजीद नाम के शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था और वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। उसने इसके लिए लोगों पर सितम ढाए और बेकसूरों को निशाना बनाया। वो हजरत इमाम हुसैन से अपनी खिलाफत मनवाना चाहता था। उसने इमाम हुसैन को भी तरह तरह से परेशान किया, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। जब यजीद के जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो इमाम हुसैन ने परिवार को लेकर मक्का हज पर जाने का फैसला लिया। हालांकि उन्हें रास्ते में पता चल गया था कि यजीद के सैनिक भेष बदल कर उनके परिवार को शहीद कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने फिर कूफा जाने का फैसला किया, लेकिन यजीद के सैनिक उन्हें पकड़कर कर्बला ले गए। कर्बला में इमाम हुसैन पर बेहद ही जुल्म ढाए गए और उनके परिवार के पानी पीने तक पर रोक लगा दी गई। यजीद इमाम हुसैन को अपने साथ मिलाने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अपने मजबूत इरादों पर डटे रहे। यजीद के सैनिकों ने फिर इमाम हुसैन उनके परिवार और साथियों पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने यजीद की बड़ी सेना का हिम्मत के साथ मुकाबला किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा और आखिरी सांस तक गलत के खिलाफ लड़ते रहे। मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके परिवार को शहीद कर दिया गया, इसलिए इस दिन मातम मनाया जाता है। ये मातम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में मनाया जाता है। मुहर्रम में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। शिया मुस्लिम समुदाय के लोग 10 तारीख को बड़ी तादाद में ताजिया और जुलूस निकाल कर गम मनाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से जुलूस और बैठकों पर पाबंदी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।